सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन पे के बारे में। तो गाइस यार, आप सभी को ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने में अपने फ़ोन पे अकाउंट पे। तो गाइस यार, आज की वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं फाइनल बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है और क्या चीज़ करने से आपका बैंक अकाउंट बहुत ही इजीली अपने फ़ोन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे हालांकि देख पा रहे हो ऊपर जो कि मेरा फ़ोन पे अकाउंट है ना, अभी ऐड हो चुका है। पहले भी मेरा भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, बाद में जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन गाइस यार, यहाँ पे है ना कुछ चीज़ आप लोगों को भी यहाँ पे खुद पे ध्यान में रखना है और ख़ुद जो है ट्राई करना चाहिए। तो गाइस यार, जिसका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना यार, प्लीज़ बताया करो, क्योंकि यार जिसका नहीं ऐड हो पाता है तो वही लोग सिर्फ मुझे यहाँ पे कमेंट करके बोलते हैं कि यार मेरा ऐड नहीं हो रहा है, और बाकी जिसका हो जाता है तो यार वो लोग मुझे पता भी नहीं चलता कि आप लोगों को हो गया है करके, ठीक है। क्योंकि यार इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया था कि कैसे मैंने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड किया था, ठीक है। जो भी वहाँ पर मैंने की थी सारी के सारे सेटिंग्स, उन सभी को भी आपको चेकआउट कर लेना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं जो है आपको विद इन हाफ एन आवर के अंदर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स सर, सबसे पहले हम आपको चले जाना है यहाँ पे, सबसे ऊपर आपको है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा फोन पे के ऊपर, चले जाओ यहाँ पे। टैप करने के बाद जैसे यहाँ पे टैप करते हो, यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका पेज ओपन होता है। तो गाइस यार, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो बैंक अकाउंट्स एंड यूपीआई का जो एक सेक्शन मिलता है, इसको टैप कर देना है। तो गाइस यार, जैसे आप यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप इसको भी टैप करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको शो हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो रही हो वो वहाँ पे टैप कर लेना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे पहले नंबर पे जो दिया गया है हाउ टू लिंक ए बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे टैप कर देना है। तो गाइस यार, यहाँ पे फोन पे ने डायरेक्ट यहाँ पे साफ बता दिया है कि यहाँ पे क्या जो है आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपका फोन पे ठीक तरीके से काम कर रहा है तो गाइस यार आपको है ना फोन पे को अनलिंक नहीं करना है, ठीक है, बैंक अकाउंट अनलिंक नहीं करना है। जैसे आप अनलिंक कर देते हो, जो जिसका भी पहले से ऐड है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने एक बार यहाँ पे बैंक अकाउंट अनलिंक कर दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आपको फिर से ऐड करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान में रखने वाली बात ये है, जो कि फोन पे डायरेक्ट बता रहा है कि यहां पे जो लिखा गया है मैंडेटरी जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस आप यहां पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर योर फोन पे अकाउंट एंड योर बैंक अकाउंट शुड बी दिस सेम। यहाँ पे देख सकते हो जो भी नंबर से आप फोन पे को रजिस्टर्ड करते हो, ठीक है, फोन पे जो भी नंबर डाल के आप रजिस्टर्ड करते हो ना फर्स्ट टाइम पे, ध्यान में रखना फर्स्ट टाइम पे जो भी नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हो वो नंबर और आपका जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड नंबर वो सेम रहना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात आपको ध्यान में रखना है, रजिस्टर्ड नंबर जो कि फोन पे का रजिस्टर्ड नंबर है और बैंक का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो सेम रहना है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट फोन पे यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। बाद में आप ये नहीं बोलना कि ये तू वैसे बता रहा है फिर ये ऐड नहीं हो रहा है, फलाना डिम का है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट जो बता रहा है, जो भी मैंडेटरी है ये गूगल पे सॉरी फोन पे ये बता रहा है कि मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस फॉर द स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट शुड बी एक्टिव। यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग है ना आपका उस अकाउंट का एक्टिव रहना है, ठीक है। अगर आपने बैंक मोबाइल बैंकिंग ओपन नहीं किया है उस अकाउंट का तो उसको ओपन कर लो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर दो, ये दोनों चीज़ आपको मैंडेटरी है। ये दो चीज़ है ना आपको रहना ही रहना है, दोनों में से एक चीज़ आपको रहना है, ठीक है। फर्स्ट तो आपको रजिस्टर्ड जो नंबर है उससे वो नंबर और आपका जो बैंक रजिस्टर्ड नंबर सेम रहना है, सेकेंड पे आपका इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग एक्टिव रहना है, ठीक है। जो बैंक ऐड करना चाहते हो उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आपका ऑन रहना है, यानी कि एक्टिव रहना है, समझ रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो द मोबाइल नंबर लिंक टू दिस बैंक अकाउंट शुड हैव सफिशिएंट बैलेंस टू सेंड एसएमएस फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो थर्ड पॉइंट फोन पे बता रहा है आपको, आपके पास जो भी रजिस्टर्ड नंबर है बैंक का उसमें सफिशिएंट बैलेंस रहना है, ठीक है, सफिशिएंट बैलेंस रहना है, तभी ये है ना आपका बैंक अकाउंट है ना ये फेस कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे जो बता रहा है गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड मोबाइल नेटवर्क शुड बी अवेलेबल। यहाँ पे बता रहा है जो गूगल फोन पे बता रहा है, यहाँ पे
चार है ना, चार चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन भी आपको बहुत ही ज़्यादा मैंड यहाँ पे जो है महत्व है, ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दिया था। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, चार चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला, आपका रजिस्टर्ड फ़ोन पे नंबर और बैंक रजिस्टर्ड नंबर सेम रहना है। सेकेंड में, आपका मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव रहना है उसी बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप फोन पे ऐड करना चाहते हो। थर्ड में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपके बैंक रजिस्टर्ड नंबर पे सफिशिएंट बैलेंस रहना है, ठीक है, ताकि वो वेरिफिकेशन भेजे यानी कि ओटीपी भेजे, वो ओटीपी जो है फेस कर पाए बैंक, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ की, जो फोन पे बता रहा है वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन, और ठीक है वहाँ पे जो नेटवर्क है वो मस्त रहना है, यानी कि हाई फाई हाई स्पीड में रहना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इतना सा काम करने के बाद, ठीक है, फिर भी अगर आपका ऐड नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हो, फिर बैक आ जाना है, गेटिंग नो अकाउंट फाउंड एरर, अगर ये चीज़ आपको आ रहा है तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी यही चीज़ बताया कि आपका इंटरनेट बैंकिंग जो भी है, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग एक्टिव रहना है। उसके बाद दोस्तों जो भी नीचे गए चार या पाँच यहाँ पे कुछ बैंक्स का डिटेल्स दिया गया है, सिर्फ यही बैंक है ना आपका है ना यहाँ फोन पे पे ऐड होगा, यानी कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एक जितने भी अकाउंट से यहाँ पे ऐड होगा, बाकी जितने भी अकाउंट से वो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएंगे। इतना सा काम करने के बाद अगर ये सारों के चारों के चारों चीज़ है ना आपने कर लिया, फिर भी यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ करना है, आपको अपने कोई भी ब्राउजर पर चला जाना है। तो चलो मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, चलो ये वाला ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे phonepay.com आपको टाइप कर देना है। phonepay.com टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ टैप करता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे कॉल फोन पे, ईमेल आईडी भी दिया गया है फोन पे का, तो यहाँ पे टैप कर लो, ये नंबर आप नोट कर लो, चाहो तो इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, ये नंबर नोट कर लो 01246789345। आपका नंबर से इसको कॉल करना है, डायरेक्ट फोन पे का नंबर है, कॉल करो डायरेक्टली और पूछो कि आपका बैंक अकाउंट क्यों ऐड नहीं हो रहा है। अगर ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वीडियो है, ये इससे भी अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो भाई लोग कोई भी वीडियो देख लो, आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होने वाला है। आपको कस्टमर केयर से बात करना ही करना है, ठीक है, कोई आप टाइम वेस्ट मत करो वीडियो देख के, आप डायरेक्टली जाओ और अपना मोबाइल फ़ोन से इसको कॉल कर लो। जो नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इस नंबर को आपको टाइप कर लो, चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके है ना इस नंबर को नोट कर लो, डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल कर लो और उनको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। अगर आपने वो चारों के चारों फॉलोअप किए, चारों जो भी कंडीशन है उनको अगर आप मान लियो, अगर चारों के चारों आपके पास है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर को कॉल कर लो, ठीक है। अगर आप कॉल नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी को भी आप चूज़ कर लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखा देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो जो ईमेल आईडी है यहाँ उन लोगों का support@phonepay.com, यहाँ पे देख सकते हो support@phonepay.com, इनको आप मेल कर लो, ठीक है। दोस्तों ये है ना, मैंने इस वीडियो में फाइनल में बता दिया हूँ कि आपको कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है। अगर इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ही इजीली अपना फ़ोन पे अकाउंट में है ना, अपना फ़ोन पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका अकाउंट में ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप मुझे है ना नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे जाके मैसेज कर दो, मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें।